तो हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले टेक्नो पॉन्थम एक्स की। तो जो इंडिया में लॉन्च हो चुका है, उस जो फ्लेक्सिबल फीचर दिए गए हैं, इतने बजट रेंज वाले मोबाइल आता है ये, और इसमें बजट रेंज वाले में फ्लेक्सिबल फीचर दिए गए हैं। तो आज हम इसके अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। अनबॉक्सिंग को एंड तक फुल देखना और आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, रिव्यू देंगे, रिव्यूज। तो आप इसका बॉक्स ओपन करते हैं तो बॉक्स के अंदर आपको 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जर मिल जाती है, और टाइप ए टाइप सी डाटा केबल मिल जाती है, और एक केस मिल जाता है जिसकी क्वालिटी काफ़ी ही बढ़िया है, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, और एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, ये भी काफ़ी चीज़ होता है। और इसकी डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी डिजाइन, वो काफ़ी ही प्रीमियम लुक देती है। इतनी अच्छी डिजाइन दी गई इसे, इतनी अच्छी कि आपको देखते ही, इस मोबाइल को आप देखते ही इसकी ओर अट्रैक्टिव हो जाओगे। इतनी अच्छी डिजाइन प्रोविड की है टेक्नो वालों ने इसे, तो काफ़ी अच्छी बात है। और आप इस फोन को ओपन करते हैं फोन, तो आपको डिस्प्ले पार्ट, जो डिस्प्ले मिलती है आपको 6.7 इंच की फुल HD प्लस एस एमुलेड डिस्प्ले मिलती है, और इसके साथ 19 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, और आपको इसमें HDR10+ का सपोर्ट मिलता है जो काफ़ी अच्छा, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है डिस्प्ले के अंदर ही, और बाहर भी जो बैक है उस पर भी आपको ग्लास बैक ही मिलता है, उस पर भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मिलती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको इसमें बैटरी मिलती है टेक्नो पॉन्थम एक्स में, ये 4G वायरलेस में आपको बैटरी मिलती है 4070 mAh की, जो आपको साथ ही 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग मिलती है, जो आपके मोबाइल को 20 मिनट में 50% कर देगी, और आपको 1 घंटे, मतलब 30-40 मिनट के अंदर अंदर आपके मोबाइल को 100% कर देगी फुल चार्ज। आपको बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिलता है देखने को, तो ये भी काफ़ी बढ़िया बात है। टेक्नो वालों ने काफ़ी तगड़ा ही आपको प्रोविड किया है, और आपको इसमें प्रोसेसर, जो मेन चीज़ आती है वो आपको प्रोसेसर पर आती है, जो आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी हीलियो G96 प्रोसेसर मिलता है, जो ये 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है, तो ये काफ़ी घटिया बात लगी। ये आर प्राइस के हिसाब से प्रोसेसर इसमें नहीं देना चाहिए था, और आपको स्क्रीन पर ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी, और कवर्ड डिस्प्ले मिलती है, जो काफ़ी और भी तगड़ा प्रीमियम लुक देती है। और आपको इसमें रैम मिलती है LPDDR4X रैम, और स्टोरेज टाइप मिलती है UFS 2.1। तो आपको आउट ऑफ बॉक्स में मिलता है एंड्रॉयड 11, ये आजकल के जो ब्रांड्स हैं वो आपको एंड्रॉयड 12 दे रहे हैं आउट ऑफ बॉक्स, ये पता नहीं आपको एंड्रॉयड 11 दे रहा क्यों दे रहा, और आपको इसके अपडेट वगैरह वगैरह में पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे। ऐसे हैं टेक्नो के डिले, बहुत ही कम काम करने वाले आदमी हैं। तो आपको इसमें कनेक्टिविटी की बात करते हैं, तो आपको Bluetooth 5 मिल जाता है, और 12 बैंड वाईफाई मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट मिल जाता है, बस ये चीज़ मिलती है। और आप बात करते हैं कैमरा पार्ट, जो कैमरा है वो आपको प्राइमरी कैमरा मिलता है 50 मेगापिक्सल का, और अल्ट्रा वाइड मिलता है 13 मेगापिक्सल का, और 8 मेगापिक्सल का मिलता है डेप्थ कैमरा, जिसमें फोटो काफ़ी अच्छी आती है ठीक ठाक, और सेल्फी कैमरा आपको डुअल सेल्फी कैमरा देगा 48 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, 48 का तो प्राइमरी और 8 का डेप्थ सेल्फी कैमरा। तो आप इसे, इसमें कैमरा फीचर भी काफ़ी तगड़े तगड़े नए नए ऐड किए गए हैं, आपको सभी मिल जाते हैं, स्लो मोशन, नाइट मोड वगैरह वगैरह जो आपको चाहिए, बोके पोर्ट्रेट मोड, और आप इसे रियर और बैक दोनों से 4K वीडियो शूट कर सकते हो 4K 30 FPS पर, तो ये काफ़ी तगड़ी बात है। और आपको मेन बात आती है इसकी प्राइस, जो प्राइस है वो आपको 24,999 पे मिलती है। तो ये प्रोसेसर देखकर तो ऐसा लगता है कि हमें नहीं लेना चाहिए, पर आप इस फ़ोन को खरीदते हो तो आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं, मेरे पास 70,000 60,000 इतने का मोबाइल है, इसे देखकर इससे लगता है, इस मोबाइल को देखकर आपको, तो ये बात है। तो प्रोसेसर आपको इसमें अच्छा नहीं मिलता,
बस आज के लिए इतना ही। आपको आई होप कि आपको अनबॉक्सिंग वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते बेल के आइकन जरूर दबाएं ताकि हर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।